अब इसके बाद हम योगा के अभ्यास करेंगे, उसके पहले हम थोड़ा सा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक वात व्याधि है, प्राणायाम हमने इसलिए किया, अब हम वात को ठीक करने के लिए कुछ एक्यूप्रेशर करेंगे। बहुत सामान्य, जैसे हमारे ये हाथ हैं, इसके चैनल्स होते हैं। यदि व्याधि जो पैरालिसिस है यदि अपर लिम्स में है, तो उसके लिए हम हाथों का, या लोअर लिम्स में है तो पैरों का व्यायाम करते हैं, पैरों में एक प्रकार से एक्यूप्रेशर करते हैं। तो उसके लिए प्रेस करना होता है, जैसे दो फिंगर्स हैं, इनके बीच में जो यहाँ पे स्पेस बना हुआ है, बीच में जो पार्ट है दो बोन्स के बीच में, तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा प्रेस करते हैं इस तरह से। तो इससे ये वात व्याधि से हमें निजात, मुक्ति मिलती है। और पक्षाघात एक वात व्याधि है, इसमें वात को बैलेंस करना अति आवश्यक है। और उससे दूसरी बात ये कि जो फिंगर्स के टिप हैं, इसको अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर, इसको नर्वस सिस्टम का पार्ट कहा है, तो इनको भी हम प्रेस कर लें, तो इससे जब हमारा ब्रेन स्टिमुलेट रहेगा तो इससे हमें बहुत लाभ होगा। ऐसे दूसरे हाथ में भी, जो यहाँ पे हमने देखा चैनल्स को हम थोड़ा स्टिमुलेट करेंगे यहाँ पे प्रेस करके, इससे प्रकुपित वायु जो है वो शमन होता है, प्रकुपित वायु का। और हम टिप्स पे भी हम एक बार एक्यूप्रेशर करें, फिंगर टिप्स पे। यदि पैरालिसिस का अटैक पैरों में है, तो हम उसके लिए पैरों पे भी इस तरीके का अभ्यास करेंगे। तो पैरों में मुख्य रूप से बताया है इस जो सेकेंड लास्ट टो है, इसको हम प्रेस करते हैं, ये एक मास्टर पॉइंट है। तो इस तरह हाथ पैरों का एक्यूप्रेशर बहुत प्रभावकारी है। अगले क्रम में अब हम देखेंगे कौन कौन से योगासन हैं जो हमें पैरालिसिस से होने से रोकते हैं। वैसे अगर हम बात करें तो जो भी व्यायाम, जो भी आसन, जो हमारे एयर के डिस्ट्रीब्यूशन को, बॉडी में एयर के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करते हैं, अच्छा करते हैं, वो सभी प्राणायाम, वो सभी आसन इसके लिए बहुत ही लाभकारी हैं। प्राणायाम सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है, मुख्य रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो जो भी हम आसनों का अभ्यास करेंगे, ये हम श्वासों पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण के साथ करेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से हमारा जो फोकस रहेगा वो वायु को नियंत्रित करना रहेगा। सबसे पहले करेंगे मार्जारासन। मार्जारासन के लिए श्वास लेकर के इस तरह की पोजीशन बनाएंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने ग्रीवा को नीचे की ओर करेंगे और दृष्टि नीचे की ओर देखेंगे। श्वास लेते हुए पुनः कमर को जितना झुका सकते हैं झुकाएं, और पंजे तने हुए पुनः वापस। तो इस मार्जारासन के बाद में हम अगले अभ्यास करेंगे बैठने वाले, इसमें वज्रासन भी एक अभ्यास है। यदि किसी को अधिक व्याधि है तो वज्रासन में बैठें। इसके पश्चात वज्रासन में आने के बाद हम शशकासन का अभ्यास करेंगे। ये एक रिलैक्सिंग पोज है, तो जब भी हम आसन प्राणायाम कर रहे हैं तो इसको हम कर सकते हैं उस समय पे, अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। तो वक्रासन के लिए अपनी बॉडी को जितना हो सकता है ट्विस्ट करने का प्रयास करेंगे, और जितना यहाँ से हाथ हम छू पा रहे हैं, जहाँ तक हाथ जा पा रहा है वहाँ तक रखने का प्रयास करेंगे। दोनों दिशाओं में, दोनों ओर से करेंगे बॉडी के, जिस ओर से बन जा रहा है अच्छे से। वक्रासन के बाद हम करेंगे गोमुखासन। तो गोमुखासन में एक पांव नीचे होगा,
दूसरा पांव एक घुटने के ऊपर दूसरा घुटना होगा, जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर की ओर रहेगा और पीछे से दूसरे हाथ से हाथ को पकड़ करके इंटरलॉक कर लेंगे और जितना इस स्थिति में रह सकते हैं उतनी देर इसमें रह करके कोई भी लंबी गहरी श्वास लेकर किसी भी प्रकार कोई भी प्रकार का प्राणायाम जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम इसमें कर सकते हैं या बाह्य प्राणायाम कर सकते हैं। और यदि प्राणायाम ना हो पा रहे हो तो श्वासें सामान्य इनहेल एंड एक्सहेल लॉन्ग एंड डीप कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा मेन फोकस है वात को बैलेंस करना और वायु को हम यदि प्रॉपर इनहेल एक्सहेल कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो वात व्याधि या वात जो है वो शमन होगा उसका। इसी को दूसरी ओर से करेंगे। वक्रासन और गोमुखासन के बाद हम अगला अभ्यास करेंगे स्थित कोणासन। स्थित कोणासन में जितना हो सकता है हम दोनों पैरों में गैप करके हाथों को पैरों के अंगूठे को हाथों से पकड़ करके हाथों को देखेंगे, उंगलियों को। इसी प्रकार दूसरी ओर तो इसको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार गति का चयन करेंगे। तो इस प्रकार से हम स्थित कोणासन करते हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए ना केवल फिजिकल बॉडी बल्कि हमारा मन, हमारी आत्मा भी स्वस्थ रहे। इवन WHO ने भी अपनी डेफिनेशन में इस चीज़ को इंक्लूड किया है कि स्वस्थ रहना केवल बीमारियों का अभाव नहीं है, नॉट मेयर एब्सेंस ऑफ डिजीज, बल्कि हम फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सोशली स्वस्थ रहें। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें योगस्थ होकर कर्म करना होगा। जब हम योगस्थ होकर कर्म करते हैं तो हम समत्व की स्थिति में रहते हैं, इक्विलिब्रियम की, बैलेंस की स्थिति में रहते हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण जी ने उस डिप्रेशन में आए हुए अर्जुन को भी ये कहा था कि योगस्थ कुरु कर्माणि, हे अर्जुन तुम योग में स्थित होकर कर्म करो। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, किसी चीज़ में आसक्त मत हो जाओ और अपना कार्य पूरा संपूर्ण अच्छे से निर्वाह करो और सिद्धियोर समो भूत्वा, उस कार्य में जो सिद्ध हो जाए या उसकी सिद्धि ना भी हो उसमें भी आपको समान रहना है, उसमें अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना है, सामान्य रूप से व्यवहार करना है, क्योंकि समत्वम योग उचित, इक्विलिब्रियम का स्टेट ही योग है। इस प्रकार से हम अपने मन को, अपने शरीर को बैलेंस करके रखें, हम अपने सभी कर्मों को योगस्थ होकर के करें और सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। ओम, धन्यवाद।